हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप सभी के लिए आईटी एग्ज़ाम के सेट ए के आंसर की लेके आया हूँ। चारों सेट सेम थे, ABCD, बस उनका ऑर्डर चेंज था। चलिए फ्रेंड्स, इसके MCQ कर लेते हैं सब ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, फुल फॉर्म ऑफ JPEGs, इसका आएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15 है, फुल फॉर्म ऑफ LDA इज, फुल फॉर्म ऑफ LDAs, लीनियर डिस्क्रिमिनेटेड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, फुल फॉर्म ऑफ OCRS, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन PCA गिवन फेस इमेजेस आर कन्वर्टेड इनटू डैश फेसेस, इसका आएगा इंजन, EIGEN। क्वेश्चन नंबर 18 है, फुल फॉर्म ऑफ PSK इज, पासपोर्ट सेवा केंद्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फुल फॉर्म ऑफ CIDR इज, इसका आएगा सेंट्रलाइज आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, फुल फॉर्म ऑफ UID इज, इसका आएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्नीफर सॉफ्टवेयर इज यूज टू मॉनिटर डैश, तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेड प्रोटेक्टर डाटा ड्यू टू डैश फेल्चर, तो इसका आएगा डिस्क फेल्चर। सो इसका आएगा डिस्क। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, या तो रो कहते हैं या टपल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन DBMS एट्रीब्यूट्स डिफाइन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एन, जिसका आएगा एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड डैश, इसका आएगा टेबल, क्या आएगा टेबल। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन, या तो इसे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और वर्क भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्क बुक। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन स्प्रेडशीट व्हेन अ नंबर ऑफ सेल इज सेलेक्टेड इट इज कॉल्ड सेल रेंज, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसे सेल रेंज कहते हैं, अगर हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे एक्टिव सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, देयर आर डैश बेसिक पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर B 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, फर्स्ट UID नंबर वाज इशूड इन डैश ईयर, तो इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर D 2010। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन इंडिया पासपोर्ट इज इशूड अंडर पासपोर्ट एक्ट, इसका आएगा ऑप्शन नंबर C 1967। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ डैश इज अ सेट ऑफ परमिसेबल वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, इसका आएगा ऑप्शन नंबर A डोमेन। क्वेश्चन नंबर 33 है, MySQL डाटाबेस वॉज फाउंड इन डैश ईयर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर A 1995। क्वेश्चन नंबर 34 है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रेडशीट फाइल इज, इसका आएगा ऑप्शन नंबर C .ods, अगर पूछे डॉक्यूमेंट की या राइटर की तो इसका आएगा .odt। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, देयर वॉज डैश ट्रेजिस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो इसका आएगा 5 ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 36 है, शॉर्टकट की टू प्रिंट अ स्प्रेडशीट, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर B Ctrl+P। क्वेश्चन नंबर 37 है, कम्युनिकेशन इज अ डैश वे प्रोसेस, तो इसका ऑप्शन आएगा B टू वे प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 38 है, फुल फॉर्म ऑफ ICTs, तो इसका आएगा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 38 तक क्वेश्चन, ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके 25 में से कितने ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक करके आए होंगे। थैंक यू।